अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फाइलम मोलस्का को। और मोलस्का के अंदर हमने रखे हुए हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, और ये हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स का दूसरा फाइलम है। फाइलम मोलस्का जो है ये एक हाईली डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं, और देखने में एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आते हैं। काफ़ी इसको मुख्तलिफ टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो फाइलम मोलस्का है ये इनवर्टिब्रेट्स का, रीढ़ की हड्डी जिन ऑर्गेनिज्म में नहीं होती उनका दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, और इसके अंदर तकरीबन 50,000 लिविंग स्पीशीज इस वक्त जो लिविंग है वो मौजूद हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी बॉडी के अंदर तीन जर्म लेयर्स होती हैं। सारे सीलोमेट हैं, यानी कि बॉडी के अंदर सीलोमिक कैविटी मौजूद होती है। और ये सारे बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं, यानी कि बॉडी को सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड किया जा सकता है, दो इक्वल हाफ्स में ऑर्गन्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और इनमें से अक्सर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक शेल मौजूद होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल इनके अंदर मौजूद है। क्योंकि ये भी सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमने पहले बात की थी एनिलिड्स के अंदर के सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर एडवांस्ड ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं या सीलोम की वजह से, तो इसके अंदर भी हाईली एडवांस्ड ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। ये जो मोलस्का है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इनके हर किस्म के हैबिटेट में तकरीबन ये पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, या फ्रेश वाटर एक्वेटिक होते हैं, या सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाएंगे या फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे आपको कटल फिश दिखाई है, इसी तरह स्क्विड्स और ऑक्टोपसिस वगैरह जो हैं वो वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इसके मुकाबले में कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको लैंड स्टेन हमने दिखाया। बॉडी फॉर्म्स जो हैं इनकी हाईली डाइवर्स हैं, कुछ जो हैं वो स्नेल की तरह होते हैं, कुछ ये हमने पहले देखा कि ऑक्टोपस की तरह होते हैं, देखने में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आते हैं। डाइवर्स बॉडी फॉर्म्स हैं, लेकिन कुछ जनरल फीचर्स ऐसे हैं जो इन सब के अंदर मौजूद हैं, कॉमन फीचर्स हैं। मिसाल के तौर पर इनकी बॉडी जो है वो बाहर से एक आउटर लेयर एपिथीलियम पे मुश्तमिल होती है, जिसको हम कहते हैं मेंटल। ये जो मेंटल कैविटी है, ये सॉरी मेंटल एपिथीलियम की लेयर है, ये सिक्रीटरी एपिथीलियम होती है, यानी कि ग्लैंड होता है, और ये आमतौर पे शेल प्रोड्यूस करने का काम करती है। यानी कि ये बॉडी के बाहर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये एक शेल मौजूद है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, और ये प्रोड्यूस कौन करता है, ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम या मेंटल प्रोड्यूस करती है। शेल का क्या काम है, तो शेल जो है वो जाहिर है एक प्रोटेक्टिव कवर है, हार्ड कवर है, जो इन ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई प्रॉपर स्केलेटन वगैरह मौजूद नहीं है तो नाजुक होते हैं, तो इसके लिए इनके ऊपर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ आमतौर पे शेल होता है। लेकिन ये शेल जो है वो कई दफ़ा इतना वजनी हो जाता है कि ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं कर पाते, तो ये शेल जो है वो एक हैंडीकैप है लोकोमोशन में। कई ऑर्गेनिजम्स जो हैं फिर इस फाइलम में ऐसे भी हैं जिन्होंने इस शेल से अपने सिरे से जान छुड़ा ली है ताकि वो एक्टिवली मूव कर सकें। फिर इसके अलावा इनकी जो बॉडी है वो सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड बॉडी है। एनिमल्स में हमने देखा था कि वहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी थी, तो इनकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉपर सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते। बॉडी को आप तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक इनके अंदर हेड होता है, फिर इसके अलावा ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम विसरल मास कहते हैं, और इसके अलावा ये नीचे की तरफ जो है ये फुट मौजूद है, मसल का बना हुआ फुट है जो मूवमेंट में मदद करता है। विसरल मास जो है वो सारे का सारा जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है शेल, और इसके अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद हैं, और ये शेल जो है हमने पहले बात की कि मेंटल इसको सिक्रीट करता है। फिर बाज दफा मेंटल कैविटी में कुछ स्पेसिस पाई जाती हैं, खाली जगह होती है शेल के और मेंटल के दरमियान में, जिसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं, और यहाँ पे जो है
जहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेल में मेंटल के नीचे कुछ जगह खाली है और ये मेंटल कैविटी कहलाती है, और इसके अंदर गिल्स वगैरह मौजूद होते हैं रेस्पायरेशन के लिए। फिर इसके अलावा कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मुंह के अंदर ये जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रेडुला कहते हैं। और ये रेडुला को आपको बड़ा करके दिखाएं तो आप देखेंगे कि ये जबान है, टंग है, और इसके ऊपर ये छोटे छोटे से कांटे हैं, और ये कांटे जो हैं ये लीव्स को या किसी और सरफेस को जिसको ये खा रहे हो उसको ये उखाड़ के टुकड़ों में तोड़ के खाने में हेल्प करते हैं। अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफी तेज धार वाले कांटे इसके ऊपर बने हुए हैं, जिसके जरिए से ये जो है लीफ की सरफेस को या किसी और ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी को जो है वो खुरच के खा सकते हैं। तो ये टंग जो है ये इसको हम कहते हैं रेस्पिंग टंग, क्योंकि ये जिस चीज के ऊपर लगती है उस चीज को पकड़ के खींच लेती है अपनी तरफ, तो ये रेस्पिंग टंग कहलाती है। और इसका टेक्निकल नेम जो है वो है रेडुला। फिर इनके अंदर एडवांस्ड ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे इनके अंदर एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें एक प्रॉपर माउथ है और एक एनस की ओपनिंग है, ये यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है एनस की ओपनिंग है। और ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इसके मुख्तलिफ पोर्शंस हैं, और इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स साथ शामिल हैं, और हर पोर्शन जो है वो फूड के एक इम्पॉर्टेंट किसी ना किसी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इनके अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल है जिनको हम नेफ्रिडिया कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉस का मतलब होता है किडनी, तो ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम नेफ्रिडियम कहते हैं। ये पेयर की फॉर्म में यहाँ पे नेफ्रिडियम मौजूद है। इसके अलावा सर्कुलेशन के लिए इनके अक्सर ये स्पीशीज जो हैं उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि सिलोम जो है उसी के अंदर ब्लड भरा हुआ होता है, सिलोम के अंदर फर्दर सिलोम की पार्टीशन हुई होती हैं, छोटी छोटी स्पेसेस बनी होती हैं जिनको हम साइनसिस कहते हैं। उन साइनसिस के अंदर ब्लड जो है वो फिल्ड होता है, और एक मस्कुलर हार्ट इनके अंदर मौजूद है जो कॉन्स्टेंटली साइनसिस के अंदर ब्लड को फ्लो करते रहने का काम करता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने के लिए एक रेस्पायरेटरी पिगमेंट भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं हीमोसायनिन। हीम कहते हैं ब्लड को, और सायन कलर जो होता है ये ब्लूश ग्रीन कलर को हम सायन कहते हैं। तो ये जो है इनका रेस्पायरेटरी पिगमेंट या इनका ब्लड जो है वो ब्लूश ग्रीन कलर का होता है, और जो है इसको हम हीमोसायनिन कहते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज्यादातर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, सिलोम के अंदर ही ब्लड भरा हुआ होता है और हार्ट इसको पंप करता है, और ब्लड जो है उसको उसके अंदर हीमोसायनिन एक प्रोटीन मौजूद है जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है। कुछ स्पीशीज मिसाल के तौर पे सेफेलोपोड्स या ऑक्टोपस वगैरह के अंदर जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है, ये कैविटीज वगैरह के अंदर नहीं होता बल्कि बकायदा तौर पे ब्लड के लिए वेसल्स होती हैं उसके अंदर होता है। फिर रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो अक्सर स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर गिल्स होते हैं प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिल नजर आ रहा है, इसके थ्रू गैस एक्सचेंज होती है। या फिर लैंड के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं मिसाल के तौर पे स्नेल है, तो स्नेल के अंदर ये जो मेंटल है ये एपिथीलियम है, सिक्रीटरी एपिथीलियम जिसने बॉडी को कवर किया हुआ है, तो उस मेंटल का ही काम जो है वो गैस एक्सचेंज करना हो गया है। तो ये मेंटल इसको हम कहते हैं कि ये लंग्स में कन्वर्ट हो गई है, जो ऑर्गेनिजम्स खुश्की पे रह रहे हैं उनमें मेंटल जो है वो हवा में गैस एक्सचेंज करने के लिए लंग्स के तौर पे मॉडिफाई हो चुकी है। नर्वस सिस्टम जो है वो थ्री पेयर्स ऑफ गैंग्लिया पे मुश्तमिल है, गैंग्लिया कहते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को, और हर एक पेयर जो है एक पेयर हेड के अंदर मौजूद होता है, एक विसरल ऑर्गन में मौजूद होता है, और एक पेयर जो है वो फुट में मौजूद है, और हर पेयर जो है वो अपने अपने रीजन के फंक्शंस को कंट्रोल करता है।
लोकोमोशन के लिए इनके अंदर, ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये मस्कुलर फुट है, और ये फुट जो है ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन आमतौर पे बहुत स्लो होती है क्योंकि शेल जो है वो काफी इनका हैवी होता है, उसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकते। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सिरे से शेल है ही नहीं, सॉरी, जो सिरे से शेल की वजह से उनका वजन इतना ज्यादा है कि वो मूव नहीं कर सकते वो, और उनको हम कहते हैं कि ये सेसाइल है। रिप्रोडक्शन जो है वो आमतौर पर सेक्सुअल होती है, सेक्सेस जो है सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है और लार्वा बनता है जिसको हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हमने 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, और इनमें से हम पढ़ेंगे 3 क्लासेस जो कि हैं क्लास गैस्ट्रोपोडा, बाइवाल्विया और सेफेलोपोडा। सबसे पहली क्लास जो है वो है क्लास गैस्ट्रोपोडा, और गैस्ट्रोपोडा जो है इनको हम कहते हैं, गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट और पोडा कहते हैं पाँव को। तो गैस्ट्रोपोडा का मतलब है कि इनके अंदर मतलब सुपरफिशियली देखें तो एक ये पेट वाला रीजन है और एक ये नीचे फुट वाला रीजन है, तो बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइडेड बड़ी इजीली नजर आती है, तो इनको हम गैस्ट्रोपोडा कहते हैं। इनकी बॉडी जो है वो एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल इसलिए होती है कि इनका शेल जो है वो आमतौर पर बॉडी के एक तरफ ट्विस्टेड होता है, तो उसकी वजह से बॉडी जो है बाइलेटरल बॉडी जो टेक्निकली होनी चाहिए वो थोड़ी सी एसिमेट्रिकल हो गई है। ये जो शेल है एक ही पीस का बना हुआ होता है, एक ही बड़ा सा टुकड़ा होता है, सिंगल पीस पे मुश्तमिल है, और आमतौर पे क्वाइल्ड होता है, और जरूरत पड़ने पर ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है इसका हेड और ये जो फुट है ये सारे का सारा शेल के अंदर चला जाता है, और ये हाइड कर सकता है अपने प्रेडेटर्स वगैरह से। अब ये जो गैस्ट्रोपोड इंडिविजुअल्स हैं ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ खुश्की के ऊपर रहते हैं। एक्वाटिक स्पीशीज के लिए के अंदर ब्रीदिंग के लिए गिल्स मौजूद हैं जिनके जरिए से ये सांस लेते हैं। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज जो हैं उनके अंदर मेंटल कैविटी जो है वो ही कन्वर्ट हो गई है लंग्स में, और वो हवा में गैस एक्सचेंज के लिए बनी हुई है। एग्जाम्पल्स इसके अंदर आ जाती हैं हीलिक्स एस्परसा जो कि आपका कॉमन गार्डन सेल है, ये ऊपर वाली फिगर के अंदर आपको दिखाया हुआ है, और लिमैक्स या स्लग है। स्लग जो है ये देखने में स्नेल जैसा ही होता है, सिर्फ इसमें फर्क ये होता है कि इसके ऊपर हेड नहीं होता, आपको एक बड़ा सा फुट और एक हेड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे शेल कोई प्रॉपर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको हम स्लग कहते हैं। फिर एक और ग्रुप जो है वो बाई वेल्विया कहलाता है, या इसको हम पेलेसीपोडा भी कहते हैं। बाई वेल्विया का मतलब, बाई का मतलब होता है टू, वाल्विया टुकड़ों को कहते हैं, वाल्व्स को कहते हैं, तो बाई वाल्विया जो है इनका शेल एक्चुअली 2 टुकड़ों पे मुश्तमिल होता है, इसलिए बाई वाल्विया कहलाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं और सारे के सारे एक्वाटिक हैं। इनकी बॉडी जो है ये लेटरली कंप्रेस्ड होती है। लेटरली कंप्रेस्ड का मतलब है कि ये साइड्स से थोड़ी सी दबी हुई होती है, ऐसे लगता है कि लेफ्ट और राइट साइड से किसी ने इसको पकड़ के दबा दिया है, और ये कंप्रेस्ड बॉडी होती है। शेल जो है उसमें 2 पीस होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। गिल्स जो हैं वो फ्लैट होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, और इसके अंदर एग्जाम्पल है माइटिलस। ये ऊपर सबसे पहली डायग्राम के अंदर आपको माइटिलस मरीन मसल दिखाई हुई है। अगर आप साहिली इलाकों पे जाएं तो वहां पे साहिल पे आपको इस तरह के शेल्स काफी सारे पड़े हुए मिल जाते हैं, मरीन मसल है। फिर इसी तरह एनोडोंटा है, फ्रेश वाटर मसल, ये आमतौर पे लेक्स में और पॉन्ड्स वगैरह में और रिवर्स के अंदर पाई जाती है। और इसी तरह ऑस्ट्रिया या ऑयस्टर है जिससे आपको जो है मोती निकलते हैं, या कई मुल्कों में इनको खाया भी जाता है। तो ये जो है तीनों बाइवाल्व्स हैं, बाइवाल्विया के मेंबर हैं। तीसरी जो क्लास है वो है सेफेलोपोडा, और सेफलॉन हम कहते हैं हेड को और पोडा कहते हैं लेग्स को। तो ये देखने में ऐसे लगता है कि एक बड़ा सा हेड है और उस हेड के साथ काफी सारी टांगें जुड़ी हुई हैं, तो इस वजह से इसको हम सेफेलोपोडा कहते हैं।
ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये हाईली डेवलप्ड हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव भी होते हैं। इनके अंदर आमतौर पे शेल मौजूद नहीं होता, तो इस वजह से ये काफी तेजी के साथ मूव कर सकते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, कंप्लीटली बॉडी जो है वो दो हिस्सों में इसको आसानी के साथ डिवाइड किया जा सकता है एक प्लेन के थ्रू काटने पे। मिसाल के तौर पे ये आपके पास जो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो एक ये इसकी लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। ऑर्गन्स जो है वो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद है, यहाँ से ये दो इक्वल हाफ में पड़ सकता है। बॉडी जो है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब है कि ये कमर और पेट की तरफ से इसको रख के दबा दिया गया है, तो थोड़ी सी फ्लैट सी बॉडी होती है। सारे के सारे एक्वेटिक हैं और इनके अंदर शेल या तो बहुत छोटा होगा या स्किन के नीचे की तरफ मौजूद होगा या सिरे से मौजूद ही नहीं होगा। एग्जाम्पल्स आ जाती हैं लोलीगो या स्क्विड, ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको लोलीगो दिखाया है, फिर कटल फिश या सीपिया है, और इसी तरह ऑक्टोपस जो है ये बहुत ही मशहूर सेफेलोपोड्स हैं। जायंट स्क्विड जो है इनमें से वो सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है, इसकी बात हम आगे चल के करेंगे। मोलस्क जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कई ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फायदा भी देते हैं। मिसाल के तौर पर स्लग्स जो हैं ये आमतौर पे गार्डन्स को और फील्ड्स को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं कि ये लीव्स को खाते हैं। लीव को तो चलो खाते ही हैं, इसके अलावा ये कई दफा जड़ों को काट देते हैं और या तनों वगैरह को काट देते हैं और इसकी वजह से प्लांट्स को किल कर देते हैं। इसके अलावा ये स्टिकी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ भी ये मूव कर रहे होते हैं अपने पीछे वो चिपचिपे से मटेरियल की एक लाइन छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको गार्डन पेस्ट समझा जाता है और इनसे जान छुड़ाने की कोशिशें की जाती हैं। फिर इसी तरह शिव वर्म्स हैं, शिव वर्म टेरिडो जीनस है उससे बिलोंग करते हैं, और ये जो ये कश्तियों की लकड़ी होती है उसके अंदर ये आमतौर पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उसके अंदर सुराख कर देते हैं अपने घर बनाने के लिए, और उसकी वजह से शिप्स जो हैं वो कई दफ़ा डूब जाती हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं मोलस्क्स की वो बेनिफिशियल भी हैं। कई स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको एज ए सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल किया जाता है, खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे क्लैम्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, मसल्स हैं, इनको कई मुल्कों में मसलन चाइना वगैरह में, इसी तरह एशिया पैसिफिक के ममालिक में जिसमें जापान और कोरिया वगैरह आ जाते हैं, वहाँ पे इनको बहुत शौक से खाया जाता है। इवन ऑयस्टर्स जो हैं कई मुल्कों के अंदर ये एज ए डेलिकेसी समझे जाते हैं और बहुत महंगे मिलते हैं। फिर इनमें से कई के शेल्स जो हैं उनको बटन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और पुराने ज़माने में बटन जो हैं वो सिर्फ इनके शेल्स से ही बनते थे। अमेरिका वगैरह में इनके शेल्स जो हैं उनको टार में या वो ब्लैक सा मटेरियल लुक जो होता है उसके अंदर मिला के और रोड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कराची के साहिल पे जाएं तो वहाँ पे आपको इनके शेल्स के, मोलस्क के शेल के बने हुए ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे, सजावटी चीज़ें मिल जाएंगी, हार वगैरह या शो पीस वगैरह, तो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए शेल्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑयस्टर्स जो हैं उनसे आपको पर्ल्स मिलते हैं, ये सच्चे मोती जो होते हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो ये ऑयस्टर्स से हासिल होते हैं। फिर इसके अलावा ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, इन द सेंस के ऑक्टोपस जो है इसकी ब्रेन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन है, और इसकी वजह से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स शो कर सकता है। मिसाल के तौर पे ये चीज़ों को सीख सकता है और याद रख सकता है। लैब के अंदर आप इसको मुख्तलिफ सिम्बल्स के नतीजे में डिफरेंट रिस्पॉन्सेज शो करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि एक ऑक्टोपस को उन्होंने बंद किया एक बॉटल के अंदर और ऊपर स्क्रू कैप जार लगा दिया है, स्क्रू कैप लगा दिया है जार के ऊपर, तो ये अंदर से ही उसको घुमा के खोल के और बाहर निकल सकता है। इसी तरह ऑक्टोपसेस जो हैं वो अपने स्किन का कलर चेंज करने की भी सलाहियत रखते हैं। फिर इसके अलावा जायंट स्क्विड जो है ये सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है,
इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स में से साइज में से सबसे बड़ा है और तकरीबन 15 मीटर तक का हो सकता है। उसके मुकाबले में ह्यूमंस जो हैं वो इससे तकरीबन 10 टाइम्स छोटे हैं, क्योंकि ये 1.6 से 1.7 मीटर्स तक हमारी टोटल लंबाई होती है। उसके मुकाबले में जायंट स्क्विड जो है वो तकरीबन 15 मीटर तक साइज में ग्रो कर सकता है। आज के लेक्चर में हमने मोलस्क्स के बारे में पढ़ा है, जिनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहते हैं। ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स हैं, यानी कि इनके अंदर सिलोम मौजूद है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनकी बॉडी आमतौर पे एक शेल के अंदर कवर्ड होती है और शेल को प्रोड्यूस करती है एक स्पेशल एपिथीलियम, बॉडी की आउटर कवरिंग, जिसको हम कहते हैं मेंटल। और ये मेंटल जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। मसलन एक तो ये शेल प्रोड्यूस करती है, इसके अलावा लैंड एनिमल्स के अंदर ये जो है लंग्स का काम भी करती है। ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो इनके अंदर हाईली एडवांस्ड हमने देखा के मौजूद हैं। कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम काफी एडवांस्ड है, इसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए इनके पास में फ्रीडियां हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद है। और क्लासिफाई हम करते हैं इनको 6 क्लासेस में, जिनमें से 3 हमने स्टडी की हैं। पहली क्लास है गैस्ट्रोपोडा, जिसके अंदर स्नेल्स और स्लग्स वगैरह आ जाते हैं। फिर सेफेलोपोड्स हैं, जिनके अंदर स्क्विड और ऑक्टोपस वगैरह आ जाते हैं। और इसी तरह बाइवाल्विया हैं, जिनके शेल्स 2 टुकड़ों पर मुश्तमिल होते हैं, इसके अंदर मसल्स और ऑयस्टर्स आ जाती हैं। थैंक यू।